अमृत की बरसे बदरिया, जय हो जलपा माँ की दुवरिया। अमृत की बरसे बदरिया, जलपा माँ की दुवरिया। अमृत की बरसे बदरिया, जलपा माँ की दुवरिया। जय हो। दादुर मोर पपीहा बोले, दादुर मोर पपीहा बोले, गुह के है काली कोयलिया, जलपा माँ की दुवरिया। अमृत के बर से बदरिया, जलपा माँ की दुवरिया। शीश मुकुट कानों में कुंडले, शीश मुकुट कानों में कुंडले, सोहेला 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 लाल चुनरिया, जलपा माँ की दुवरिया। अमृत की बरसे बदरिया, जलपा माँ की दुवरिया। सूरज चंदा भजन है गावे, सूरज चंदा भजन है गावे, पवन 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 बुहारे डगरिया, जलपा माँ की दुवरिया। अमृत की बरसे बदरिया, जलपा माँ की दुवरिया। अमृत की बरसे बदरिया, जलपा माँ की दुवरिया। अमृत की बरसे बदरिया, जलपा माँ की दुवरिया। प्रेम से बोलिए जलपा माता की जय, माँ आद्य भगवती की जय, और आप सभी की जय हो। जय माँ जगचंडी, माँ भगवती, माँ पार्वती। एक बार प्रभु शिव शंभू से पूछती है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे शिव शंभू, मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि दुनिया में आप इतने पूजनीय क्यों। माँ ने पूछा शिव शंभू से कि हे माँ, माँ कहती है कि हे मेरे प्रभु, मुझे आश्चर्य होता है ये सोच कर कि दुनिया में इतने
पूजनीय आप क्यों हो, क्योंकि मैं कुछ भी आपके आसपास में पूजनीय नहीं देखती। आपके शरीर पे जो भस्म लगा है वो शमशान घाट की राख है, अशुभ है, उसे दुनिया अशुभ मानती है। आपके गले में जो माला है वो नर कंकालों की माला है, दुनिया उसे भी अशुभ मानती है। गले में जिसे धारण कर रखा है वो विषधर है, दुनिया उसे भी अशुभ ही मानती है। आपके आसपास भूत पिशाचों का डेरा है, दुनिया उसे भी अशुभ ही मानती है। मां आदिशक्ति आप सभी का कल्याण करे, सबका। मां कहती है कि हे मेरे भगवान, हे मेरे प्रभु, हे मेरे सब संभव कल्याण, सब कुछ अशुभ होने के बावजूद भी आपके अंदर शुभ क्या है जिसके कारण से दुनिया आपकी पूजा करती है। प्रभु कहते हैं, देवी जिसे आप देख रही हो यही तो इस दुनिया की सच्चाई है कि इस दुनिया में बाहर का आवरण अशुभ ही है, सभी का अशुभ है, सिर्फ मेरा नहीं, बाहर का आवरण सभी का अशुभ है। जो मरण धर्म है वो अशुभ माना जाता है, शुभ तत्व है हमारे अंदर, जब तक वो रहता है साथी बनकर तब तक सब शुभ ही शुभ होता है, लेकिन जैसे ही वो शक्ति चली जाती है अशुभ ही अशुभ हो जाता है। माँ कहती है कि हे प्रभु, जिस अशुभ की बात आप कर रहे हैं क्या वो बाहर का आवरण है जो अशुभ है? भगवान से उस प्रभु कहते हैं, देवी आपने देखा होगा कि दुनिया में जब तक इंसान के शरीर में प्राण का वास होता है, जब तक शक्ति प्रवाहित होती है तब तक वो पूजनीय होता है, सम्मान के लायक होता है, लेकिन जैसे ही शक्ति का विच्छेद हो जाता है, शक्ति का अलगाव हो जाता है तन के साथ, वैसे ही सब कुछ अशुभ हो जाता है। सबका कल्याण हो, माता जी का कल्याण हो, परिवार के सभी सदस्यों का कल्याण हो, सबका मंगल।